फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। आज कुछ मजेदार करने वाले हैं हम। अभी इन दिनों मैं प्रॉपर डेली व्लॉग्स नहीं बना रही, बिकॉज चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो मैं सोचती हूँ कि जब भी कुछ अलग करूँ, कुछ इंटरटेनिंग करूँ या कुछ मजेदार हो लाइफ में, तो उन पलों को तो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। बहुत दिन से मैं रवि को बोल रही थी एक चैलेंज के लिए, जिसके लिए पतिदेव फाइनली आज मान गए, तो आज हम वही चैलेंज करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स एंड मैप चैलेंज, जिसमें हम कुछ वर्कआउट चैलेंज करेंगे, कुछ फन चैलेंज करेंगे, कुछ टीजिंग, मतलब अलग अलग चीजें होंगी, तो बड़ा मजा आने वाला है। और देखते हैं कि इस चैलेंज में कौन जीतता है, मैं या रवि। रवि रेडी होने के लिए गया है, एज यूजुअल उसको हमेशा वक्त लगता है रेडी होने में, और मैं ऐसे क्विक फिक्स में रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने कुछ चीजें सोची है, कुछ चीजें उसने सोची है कि वो मुझसे कुछ ऐसे चैलेंज देगा और मैं उसको कुछ ऐसे चैलेंज दूंगी, तो पता नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे का नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको मजा आए तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में लिख के जरूर बताना कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम गेम स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो उससे पहले डिसाइड ये कर ले कि पहले चैलेंज कौन देगा, तो उसके लिए कर लेते हैं स्टोन पेपर सीजर, जो जीतेगा वो पहला चैलेंज देगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने सोच रखे हैं मैंने कितने चैलेंज कराने और क्या क्या कराना है, क्या क्या चैलेंज इसको देना है, मैंने सोच रखा है। जितने भी चैलेंज होंगे सब गड़बड़ वाले होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। स्टोन पेपर सीजर वापस है, तीन बार होगा। हारी थी मैं, चलो बताओ। तीन बार जीत गया। हाँ, तीन बार तुम जीत गए, बताओ तुमको क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम जूते वूते पहन के एकदम तैयार हो रही है, हालांकि घर में कर रहे हैं तो जूते पहनने की जरूरत है नहीं। सुनो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, ठीक है? मेरे को अब लग रहा है ऐसा कि ये शायद घर भी ले अच्छे से, क्योंकि ये पहले एक्सपीरियंस है इनको करने का। चलो नाटक मत करो, चलो स्टार्ट करो, मुझे टेंशन हो रही है। तो ऐसे ऐसे पोज में रखकर थकाना भी जरूरी है ना। तुम नाटक मत करो, मैं छोड़ दूंगी, मैं करूंगी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाराज मत हो, मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले करने के लिए हमको करना पड़ेगा एक स्टॉप वॉच, स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसमें फिर सेकंड्स मिनट जितने भी होंगे वो आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टॉप वॉच चालू करते हैं। सो गाइस, ये हमारी स्टॉप वॉच रेडी है और प्लेयर भी एकदम रेडी। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। करो जल्दी, मैं तैयारी नहीं करूंगी। स्टार्ट। ये देखिए एकदम तैयार है, मुझे डर लग रहा है। देखते हैं कितनी देर तक टिक पाती हैं। कितने हो गए अभी? तो फिलहाल 17 सेकंड हुए हैं सिर्फ। अरे यार, बहुत डिफिकल्ट होता है प्लैंक। थोड़ा डिफिकल्ट होगा तभी तो मजा आएगा, वरना आसान को करने में मजा क्या है? मुझे पता है। देखो, मैंने तो जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में था, तब मैं खूब मैंने क्लब क्रिकेट और वो सब खेला है, तो मैंने खूब एक्सरसाइज की है। 42 सेकंड्स तक ये टिक पाई है। और ये देखिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन। तुम बहुत बदमाश हो, तुमको पता था प्लैंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज, तुमने जानबूझ के प्लैंक रखा। तो अगर चैलेंज करना, चैलेंज अगर थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा तो फिर तो सभी कर लेंगे, तो उसमें मजा क्या फिर? तुम देखो। मैंने 43 सेकंड्स किया प्लैंक, और ये हमारा दूसरा जिसने दिया वो रेडी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो टेक योर पोजीशन, स्टार्ट करते हैं। मैंने जूते नहीं पहने हैं। तो वो पहन लेते, मैंने मना थोड़ा ना किया था।
चलो 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 जल्दी 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 1 2 3 स्टार्ट। कौन जीतेगा कौन जीतेगा वो तो टाइम ही बताएगा। पगड़ी चाची हाय, अभी तो सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं, क्या होगा आपका? कहीं ऐसा ना हो आपके चैलेंज में आप ही हार जाएं। ये देखिए गाइस, देखो बॉडी शेक कर रही है पगड़ी चाची की। अब कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए छोड़े को। मन कर रहा उसके ऊपर ले जाके ना 2-3 पॉट रख दूं। पहले मैं 2-2 मिनट तक कर लिया करता था जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में था। अच्छा, थोड़ा सा वो लगता है। मेरे ख्याल से मैं क्रॉस कर चुका हूँ टाइम। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस कहाँ किया है? देखो देखो, एक दो पॉट वॉट ले जाके रख देने चाहिए इसके बैक पे। हाँ। है ना, हार मानो हार मानो हार मानो। देखिए कितनी देर से कर पाते हैं। Oh my God, तुमने पूरे 1 मिनट is awesome रवि बागरेजा, that is awesome, तुमने 1 minute 1 second किया, that is good, oh my God। ये जब मैं कॉलेज लाइफ में और मैं एकल क्रिकेट खेलता बस ये बड़बोला बना बागरेचा, बागरेचा बना बड़बोला। बोल के आई हूँ कि जूते पहन के आ जाओ बाहर। डर गया कि क्या कराऊंगी, मैं कराने वाली हूँ रवि से स्किपिंग। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसे स्किपिंग कराऊंगी। देखते हैं कितनी स्किपिंग कर पाता है। हो गए तुम भी तैयार? जानना है तुम्हारा चैलेंज क्या है? ये रहा तुम्हारा चैलेंज। यू हैव टू अरे बात तो सुनो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुमको करना होगा। मैंने तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज किया, तुमको करना होगा। एक्चुअली ठीक ही है, मैंने बचपन से कभी स्किपिंग की नहीं। वंस यू सेड कि तुमने क्लास 5-6 में किया था लास्ट, किया था ना, तो यू हैव, तुमने अगर 20 भी कर दिए ना तो तुम जीत गए जाओ। तुम 20 भी कर लिए तो तुम जीत गए जाओ। स्टार्ट। आज मैं गाना गाऊंगी, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, यहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। चलो चलो, बातें नहीं स्किपिंग करो। स्टार्ट। 1 मंकी जंप, मंकी जंप। 8, 9, 10, 11, 12। हाँ तो गाइस, कैसा लगा आपको? एक्चुअली मैंने देखिए, मैंने कहा था इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, एक मिनट है। बाईस किए हैं इन्होंने और इसी के साथ लेकिन ये तो चैलेंज जीत लिया। तुम हार गए, मंकी डांस के बाद भी तुम हार गए। तो फाइनली सेकंड चैलेंज मैं जीत गई। पहला चैलेंज जो रवि ने दिया था वो जीता। मैंने कहा था ये बात कि चैलेंज कैसा देगी तो मैं जीत ना सकूं। देख लीजिए क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है। इसने कई बार मुझसे बोला कि चलो सुबह हम वॉक करते हैं, अभी स्किपिंग वगैरह करेंगे। तो मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूँ कि मैं सब कर लूंगा, स्किपिंग नहीं होगी मेरे से, क्योंकि मैंने कभी की नहीं। मजा आ गया। बचपन में भी नहीं की, बड़े होने के बाद भी नहीं की। जब मैं इसका वन रिकॉर्ड साइज का था तब भी नहीं की मैंने, तो अब तो और ही मुश्किल है। बट आपने देखा है, मैंने कहा कोशिश तो की है। गुड ट्राई मजा। तो मैंने एक और एक्सरसाइज सोचा है। क्या? एग्जॉस्ट मैं भी हुआ हूँ, थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट ये भी हुई होगी, बट थोड़ा और एग्जॉस्ट करते हैं, मजा आएगा उसमें। तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल पोटेंशियल किसमें कितना है। ये बातें करती है बड़ी बड़ी कि मैं ये करके दिखा सकती हूँ, मैं वो करके दिखा सकती हूँ। अरे तुम बताओ तुमको क्या कराना है यार। चलो जंपिंग जैक का चैलेंज करते हैं। जंपिंग जैक का होगा टाइमिंग के ऊपर, मतलब टाइमिंग सेम पे या काउंट्स पे?
जैसे चाहो, दोनों दोनों का काउंट्स में क्या से ज्यादा बेटर है? काउंट्स में ये रहेगा कि समझ लो हम 50 काउंट्स करते हैं कि 100 काउंट, मतलब कौन इसको लीड करे वैसे? कौन, हाँ कौन ज्यादा कर पाता है, मतलब स्टार्ट करें, चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पागल हो चुका है, जीतने के पीछे पागल हो गया है भगवान। 50 जंपिंग जैक तुम्हें निकालना, मुझे सेकंड करना है। अब आ जाओ करो, आप रेडी हो करने के लिए? हाँ रेडी हूँ। चलो ऐसे ऐसे मुंह लटका के चैलेंज मत करो, कोशिश तो करो। कोशिश करते हैं, चलो स्टार्ट। 1, 2 53 मैंने कहा था, ये सब है ना, ये सब वो होता है ना, वो ड्रामा ड्रामा। I did it. Man, I did it. Oh my God. I can't believe. अब देखिए ये वो ड्रामा होता है ना, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स तीसरा चैलेंज भी मैं जीत गई, दैट मीन्स 2 points. चार कहाँ से बाकी, तीन हो गए, तीन ही तो बाकी रहे ना। सॉरी तीन हो गए, आई एम लीडिंग। तो देखो भागना दौड़ना बहुत हो गया, अब थोड़ा बैठ के खेलेंगे, तो जूते खोलने दो, बहुत हो गया। अब तुमको पता है तुमने मेरे को फिजिकली थकाया, और मैं तुमको मेंटली थकाऊंगी। देखो कैसे हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो मेरा है। ऐसा क्या चैलेंज है जिसमें मेंटली Not to blink your eyes. आंखें जो पहले झपकाया। मैं काम करता हूँ, मैं 5-10 मिनट सो के आता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। 3, 2, 1 स्टार्ट। रोती हुई आंखों के साथ मैंने अपना तीसरा चैलेंज जीत लिया है। भाग रहे चाची, 2 points पीछे चल रहे हैं। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज बताओ? मेरे को ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि पलक झुकानी नहीं है, अभी वो चैलेंज चल रहा है। दिमाग वहीं पे अटक गया है ना। चलो अभी तुम अपना नेक्स्ट चैलेंज बताओ। प्लीज मत बोलना कि तुम्हारा तीसरा चैलेंज भी वर्कआउट से रिलेटेड है, प्लीज मत बोलना। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी वर्कआउट, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तीसरा चैलेंज गेम है। गेम है, ओके कौन सा गेम? तो गेम तो आता है तुमको, तुमने बहुत खेला बच्चों के साथ। बच्चों के साथ मैं क्या खेलती हूँ? जेंगा।
जेंगा? जेंगा से क्या चैलेंज है? जेंगा खेलेंगे और उसमें जिसका पहले गिरा वो हरा। तो गाइस देखिए, एक चैलेंज मैंने हरा दिया, तो ऐसा चैलेंज दिया है जो कर ही ना सके। देखो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको टिश्यू रोल को रोल करना है और आपका ग्लास का पानी स्पिल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो और जो जितनी मतलब अगर स्पिल दोनों का स्पिल हो जाता है तो कहाँ पर किसका स्पिल हुआ उस पर रिजल्ट विनर डिसाइड होगा, या और अगर दोनों ने रोल कर लिया तो कौन पहले रोल कर लेता है वो। ओके स्टार्ट करें, चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। गो। मैंने अपना रोल हिलाया भी नहीं है, देख लो मेरा कहाँ है। मैं वर्स्ट ना, मैं वर्स्ट चीटिंग नहीं। एक काम करते हैं, वीडियो में देखते हैं कितना मैंने खत्म चीटिंग। हमने अभी वीडियो जाके चेक की, यू वोंट बिलीव हम दोनों ने एग्जैक्ट टाइमिंग पे एग्जैक्ट टाइमिंग पे पानी का ग्लास नीचे रखा, मैंने नीचे रखा और ही डिड लाइक दिस। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गेम टाइम हुआ है चैलेंज, बट मजा आ गया सच्ची में। ये चैलेंज शूट करके ना मजा आ गया, मजा आया नहीं है सच बताओ, मुद्दा एंजॉय करना था और वो भरपूर मजे। मेरे को लगता है चीटिंग नहीं है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उसको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैंने चीटिंग नहीं की थी, बिल्कुल चीटिंग है। आई स्वेयर ऑन गॉड, स्वेयर ऑन You. चलो ठीक है, अब जो हो गया वो तो हो गया, अब टाई हो गया, गेम टाई हो गया, बट मजे। मुद्दे की बात ये थी कि हमने बड़ा एंजॉय किया, और अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कुछ इंटरटेनिंग टाइम बिताना चाहते हैं, कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो, तो इस तरह के चैलेंजेस और मस्ती भरे फन टाइम को रिकॉर्ड करो और हमारे साथ शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैलेंज अच्छा लगा तो क्या करना मत भूलना, do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel. पहली बार सही बोला, I am honored कि आपने पहली बार सही बोला। तो till then stay tuned, bye bye.